वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज फिर मैं रेडी हो गई हूँ और आज मैं जा रही हूँ, यहाँ पे आ रहे हैं पवनदीप और अरुणी प्रेम, तो हम जा रहे हैं आज उनके शो में। तो मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे भी ये सब लोग आते हैं, सारे शोज़ भी इनके होते हैं। तो मतलब मैं उसे ट्राई करती हूँ मैं वहाँ पे पहुँचूँ और कवर करूँ कि यहाँ पे कितने कितने, और वहाँ पे, और यहाँ पे गोल्ड का जो टिकट था वो हमें पर पर्सन पड़ा है 1.5 मिलियन, अराउंड 7,500 के आसपास पर पर्सन पड़ा है। थोड़ा सा कॉस्टली क्योंकि ये 5-स्टार होटल के अंदर है। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ, सारे शोज़ के दिखाऊंगी। वैसे पूरे गाने तो नहीं दिखा सकती क्योंकि आपको पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है यूट्यूब पे, बट हाँ मैं ट्राई करूँगी थोड़े थोड़े गाने, जितने वो सॉन्ग करते हैं, क्या चीज़ें हैं और कितने लोग आए हैं, सब कुछ पब्लिक वगैरह मैं सब आपको वहाँ पर दिखाऊँगी। तो चलिए चल के फिर हम आपको वहीं मिलते हैं। यहाँ पे मोस्टली क्या है ना, जैसे जो भी प्रॉपर्टी है ना वहाँ, उसमें होटल्स भी हैं और क्या बोलते हैं रेजिडेंस भी है बहुत सारे। मतलब वहाँ पे ऊपर होटल्स हैं, नीचे रेजिडेंस है, साइड में है, ऐसा है। क्योंकि यहाँ मॉल में भी है, मोस्टली मॉल में मैंने देखा, मॉल ऑफ इंडोनेशिया है, सेम वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सोसाइटी है, यहाँ पे सोसाइटी होटल सब एक आसपास ही है। और यहाँ पे बार का भी काउंटर था, जिसको एंजॉय करना है ज़्यादा वो यहाँ पे ड्रिंक भी ले सकते हैं और आराम से ड्रिंक लेते हुए अपना शो को एंजॉय करें। हाँ यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट है, एंट्री से लेके आपको ब्रेकफास्ट खाने पीने का सब कुछ अरेंजमेंट है यहाँ पे। और उसके बाद आप अंदर आते हैं, पूरा हॉल आपको देख रहे, पूरा सीटिंग सिस्टम कितना बढ़िया है, मुझे तो बहुत प्यार लगा। फर्स्ट टाइम इस वाले इसमें आई हुई हूँ और मेस्टली बहुत अच्छा है, और जैसे इनके पैसे लगे कुछ भी है उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो चलिए बैठ के इन्जॉय करते और आपको मैं दिखाती रहूँगी। और ये है स्टेज जहाँ पे वो लोग करेंगे परफॉर्म। फिर हमने डिनर करने के बाद देखा हॉल के अंदर ही आइसक्रीम, मिठाइयाँ, बहुत सारी वैराइटीज थी, चाय कॉफ़ी था। फिर हमने खाई आइसक्रीम जो भी बहुत टेस्टी थी, हम सबने आइसक्रीम खाई, थोड़ी हॉल के अंदर ठंड भी थी बट आइसक्रीम खाने का तो मज़ा भी अलग है। फिर हमने आइसक्रीम खाई यहाँ पे और कॉफ़ी भी पी था जो हमने पिया नहीं क्योंकि मन नहीं था, क्योंकि हमने आइसक्रीम खा ली थी, तबीयत ख़राब होने का था तो हमने नहीं लिया। क्या खा रहे हो? मैं तो ले लिया आइसक्रीम। मैंने भी आइसक्रीम, चॉकलेट। और यहाँ पे एम्बेसडर भी यहाँ के आए और वो सारे शोज़ में जाते हैं, कितना जो भी फंक्शन होता है सब अटेंड करते हैं, इनकी बहुत अच्छी बात है। Oh,
आसपास है दूर है। थैंक यू सो मच आप लोगों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू आपके वैसे लोग यहाँ पे हैं और इंडिया क्लब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या करें क्या अभी गाने गाने आप लोग शांति गाइए। और हाँ एक चीज़ कि मैं जा रही हूँ नेक्स्ट टाइम, अभी कल ही सलमान अली भी आ रहे हैं तो मैं उनके भी शो में जा रही हूँ। तो आप बताना सलमान अली का और पवनदीप का दोनों के शो में किसका ज़्यादा अच्छा था। वो फ्रेंड्स आपने देखा जैसे हमने कितनी मस्ती की, सिंगर से अच्छे गाने का इतना बढ़िया इवेंट था। एक तो सोचती नहीं हूँ मैं सब चीज़ यहाँ पर होती है तो बहुत अच्छा लगता है। कितने सारे लोग गए हुए थे, सबने बहुत इंजॉय किया पूरा इवेंट, खाना पीना सिंगिंग सब कुछ बहुत इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया हमें। आपको ब्लॉग कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।